माई डॉटर इज अ म्यूजिक जीनियस चैप्टर फिफ्टीन माई कास्ट हर् समिंग मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ सुना एक्साइटेड देखो कितना होगा ये डॉटर कैन प्ले द प्यानो तुम्हारी बच्ची पियानो बजा सकती है आह वाट टू डू अब मैं क्या करूँ वाट टू डू मीन क्या करूँ वाट टू डू क्या करूँ है ना जब आपसे पूछे क्या अब आप कहो पूछे कुछ करो आपको कहना हो क्या करूँ तो बोलो वाट टू डो इट्स दैट सी कैन इमिटेट अ लिटिल विट सिर्फ ऐसा है कि ये सिर्फ थोड़ा बहुत इमिटेट कर सकती है इट्स नॉट लाइक सी वेंट टू अ प्यनो अकेडमी ऐसा नहीं है कि ये प्यनो अकेडमी कभी गई है कैन सी डू अ कैमरा टेस्ट वंस क्या ये कैमरा टेस्ट कर सकती है इज़ इट हार्ड टू गो विध रॉन क्या ये काफ़ी मुश्किल भरा है रॉन के साथ जाने में आई गैस यस हाँ मुझे लगता है इट इज़ एक्टिंग एंड एक्चुअली बींग एबल टू प्ले आर टू डिफरेंट थिंग्स एक्टिंग करना और एक्चुअली प्ले करना ये दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं इफ़ इट्स ओके विथ यू अगर ये तुम्हारे साथ ठीक है आई थिंक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द पियानो विल भी बेटर मुझे लगता है कि पियानो के साथ बैठना ही काफ़ी अच्छा हो जाएगा इस ये इसकी तरफ देख रहा है बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है टू बी ऑनेस्ट सच का हूँ आई डोंट वॉन्ट सिट देयर मैं नहीं चाहता कि चे चे हून वहाँ पे जाकर बैठे द मोमेंट सी सिट्स देयर जैसे ही वो वहाँ जाकर कर बैठेगी इट्स ऑब्वियस डेट सी विल स्टैंड आउट ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है कि वो स्टैंड आउट होगी स्टैंड आउट होना यानी कि निखर के आना या बाहर आना अब कैसे बाहर आना लाइक like अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो आप एग्जाम दे रहे हो और आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हो तो आप स्टैंड आउट हो रहे हो आप सब भीड़ में से एकदम चमक के बाहर आ रहे हो इस टाइप से आप स्टैंड आउट का यूज़ कर सकते हो सी विल स्टैंड आउट या कोई आपके ग्रुप में बहुत सुंदर लग रहा है आप सबके बीच में तो आप कहोगे कि सी इसी इज इस स्टैंड स्टैंड आउट कर रही है स्पेशली इफ द डायरेक्टर लाइक्स इट अगर डायरेक्टर को पसंद आ गया एंड वांट हर टू अपेयर इन द एम और ये चाहेंगे कि एम में ये अपेयर हो विल सी एंटर द इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दैन ऐसा तो नहीं फिर बाद में ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहे आई नो ऑल टू वेल मैं सब जानता हूँ जस्ट हाउ डर्टी एंड टेरीफाइंग ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी खराब है और कितनी डरावनी है वाई कैंट आई रिजेक्ट देम फर्मली मैं क्यों उन्हें फर्मली रिजेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ फर्मली मतलब तो एकदम तो दृढ़ता से इज़ इट बिकॉज आई मे बी ब्लॉकिंग हर पोटेंशियल ऐसा इसलिए है कि मुझे लगता है कि मैं इसका जो पोटेंशियल उसको ब्लॉक कर रहा हूँ इसको रोक रहा हूँ लेट्स जस्ट टेक इट इजी चलो आसानी से लेकर चलते हैं नथिंग बैड विल हैपन कुछ पुराने होगा बिसाइड्स और इसके अलावा द डायरेक्टर माइ नॉट लाइक इट हो सकते डायरेक्टर को पसंद न आए चाय डू यू वॉन्ट टू प्ले द पियनो क्या तुम पियानो बजाना सक बजाना चाहती हो? येस आई कैन प्ले इट वेल हाँ मैं इसे अच्छे से बजा सकती हूँ आई वॉन्ट टू प्ले मैं बजाना चाहती हूँ अब इतने अच्छे से कोई बोले गया तो कौन से पापा मना करेंगे ना no, ये वहाँ पे बैठ गई चयुन आर यू श्योर यू आर गोइंग टू बी ओके चयुन आपको लगता है कि आप इसके साथ ठीक हो हाँ डैड विल वॉच from ओवर there, डैड <laughs> वहाँ से देखेंगे इफ़ यू थिंक यू कांट कंटिन्यू अगर तुम्हें लगता है कि तुम कंटिन्यू नहीं कर पाओगी टेल मी बताना मुझे अंडरस्टैंड समझ गए तो बोल रही है येस डैडी डोंट वरी हाँ पापा कोई बात नहीं चिंता मत करो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन दिखा रही है अपना हाथ बंद करके मुट्ठी बंद करके कि फाइटिंग मैं लड़ूँगी <laughs> हाँ उसको टेंशन हो रही Excuse me, Mr. Manager. है एक्सक्यूज मी मिस्टर मैनेजर मतलब जरा सुनिए मिस्टर मैनेजर आई नो यू आर वरीड अबाउट योर डेटा हाँ मुझे मालूम है कि आप अपनी बच्ची के लिए चिंतित हो रहे हैं बट एजन दिस सब बिट टू मच लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है <laughs> आई एम ऑल्सो कीपिंग एन आई ऑन हर मैं भी उस पर देख ध्यान दे रहा हूँ डू यू थिंक दैट समथिंग विल हैपन टू हर क्या आपको लगता है कि कुछ उसके साथ गलत हो जाएगा यू डोंट नीड टू वरी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सुन टू यू अ सेवन ईयर ओल्ड में स्टिल लुक लगेगा बेबी बट सी हैज़ ग्रो अप हाँ तुम्हें सत सात साल की बच्ची छोटी नजर आ रही होगी बच है ना बेबी नजर आ रही होगी बट सी हैज़ ग्रो अप है। लेकिन वह बड़ी हो गई है वीन किट्स टेल यू दे वो नो समथिंग जब बच्चे कहें कि वो कुछ जानना चाहते हैं दे रियली मीन इट इनका मतलब वो सच में जानना चाहते हैं सो सी विल ट्राई हर बस सुबह तो अपना बेस्ट देगी टीम लीडर हैव है यू रेज किड बिफोर क्या आपने कभी बच्चों को पाला है नो नहीं यू नो आई एम स्टिल सिंगल तुम जानते हो ना कि मैं अभी भी सिंगल हूँ एट अ लॉस फोरवर्ड No one will eat her up. कोई उसे खा नहीं जाएगा आई एम टेलिंग यू मैं बता रहा हूं मैं बोल रहा हूँ सी विल भी फाइन वह ठीक रहेगी वह ठीक रहेगी सीविल होता है कि अब उसके पास कुछ है नहीं कहने को है ना इसने बोला कि मैं अभी भी सिंगल हूँ यू आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम आप यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डी यू नो वो आर कॉल्ड इन द कंपनी आपको मालूम ना आप कंपनी में क्या कहे जाते हैं मी मे? मैं वाई क्यों क्यों द म्यूजिक मतलब चाल म्यूजिक को चालू करो आई थिंक इट्स स्टार्टिंग हे फिनिश योर सेंटेंस पहले अपना सेंटेंस पूरा करो लेकिन ये कुछ और बोलना आई थिंक इट्स स्टार्टिंग मुझे लगता है कि अब ये शुरू हो गया है आई स्टैंड नेक्स्ट टू द डायरेक्टर मैं डायरेक्टर के बगल में खड़ा होता हूँ डायरेक्टर के बगल में खड़े हो गए म्यूजिक बज रहा है नाउ सीज स्टार दे आर ऑल इट्स लाइक दे आर ये सब शौक हो गए वाह बहुत अच्छा सब शौक है गाने को के इसके एक्सप्रेशन के इसके हैंड्स मूविंग देखकर ऑल लॉस वर्ड दे आर ऑल लॉस वर्ड्स लॉस वर्ड कट कट परफेक्ट एकदम परफेक्ट आई थिंक राइट नाउ विल बी फाइन मुझे लगता है कि अब शूटिंग करना एकदम ठीक रहेगा लेट्स गेट राइट इनटू शूटिंग शूटिंग में शुरू हो जाओ द इंट्रो शूटिंग द इंट्रो इंट्रो करने के लिए शुरू हो जाए गेट रेडी है तैयार हो जाओ यस हाँ अब इसको न्यू कपड़े पहनाए गए इसको बगल में बिठाया गया और इनकी शूटिंग शुरू हो गई है ये काफी अच्छा है ना hmm. no, वो थक गई है गाना गाते गाते इट्स लेट ये देर हो गई है वक्त ढार तुमने काफ़ी मेहनत की है वाओ wow. <laughs> अच्छा वाह hmm. मैंने बहुत अच्छा सो यू कुडेंट लीव और केदर वाओ सो यू कुडेंट लीव और केदर आप अभी तक गए नहीं एदर मीन्स आप भी आप भी एदर मीन्स आप भी अभी तक गई नहीं हूँ आई एम फाइन मैं ठीक हूँ बट डू यू स्टिल हैव नो इंटेंशन ऑफ डूंग म्यूजिंग आपको क्या तुम्हारा अभी भी कोई इंटेंशन नहीं है म्यूजिक करने का इवन इफ यू आर रिटायर्ड इवन तुम रिटायर्ड हो जाओ यू कैन स्टिल कम्पोज म्यूजिक तुम म्यूजिक को स्टिल कम्पोज कर सकते हो सिंस यू नो द बेसिक्स ऑफ सॉन्ग राइटिंग क्योंकि तुम बेसिक तो जानते ही हो सॉन्ग राइट करने का मतलब सॉन्ग कैसे राइट किया जाता है उसका बेसिक तो तुम्हें मालूम ही है बट स्टिल लेकिन हाँ दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट एरियाज़ ऑफ़ एक्सपर्टाइज एक्सपर्टाइज मीनस मीस जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट होते हो तो ये कह रहा है कि ये एकदम कम्प्लीटली अलग ही एरिया हो गया है है ना बट आई हैड अ फीलिंग दैट लेकिन मुझे ऐसा फील होता है यू कुड डू इट बेटर आप तुम और भी अच्छा कर सकते हो कु डू इट बैटर तो मैं इसे तो मैं इसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो आई थिंक यू आर सूटेड टू बी अ प्रोड्यूसर मुझे लगता है कि तुम प्रोड्यूसर के लिए ज़्यादा सूट हो सूटेबल हो प्रोड्यूसिंग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो आई गेस सींग डॉटर प्ले टू डे कन्विंस्ड मी फर्दर मैं ऐसा मान सकता हूँ कि तुम्हारी बच्ची को आज पला आज चलाते देख कर प्ले करते देख कर मैं अपनी बात से और कन्विंस्ड हो गया हूँ कन्विंस मीन्स सहमत हो गया हूँ वेन यू सोहर वेन यू सोहर वाई इसे देख कर इसे देखकर क्यों मीन्स इसे देखकर आप कैसे सहमत हो गए हो बताओ जरा रीजन चिल्ड्रेन आर रिफ्लैक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स बच्चे पेरेंट्स का रिफ्लैक्शन होते हैं रिफ्लैक्शन मीन्स एकदम सेम टू सेम परछाई रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई व्हाट आई मीन इज मेरा मतलब है इफ़ सी इज दिस टैलेंटेड अगर ये इतनी टैलेंटेड है यू माइट बी इवन मोर सो तुम तो और भी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते देरस नो वे ऐसा कुछ भी नहीं है देयर जस्ट हाउ यू फील देस वाई इट्स सच अ पिटी टी ये ऐसा तुम सोचते हो इसीलिए तो ये थोड़ा सा पिटी है पिटी यूज होता है कि दया भाव के लिए एनी वे टेक दिस ठीक है अब ये ले लो व्हाट इज दिस ये क्या है सॉन्गिन यू नो आई एम नॉट द टाइप ऑफ पर्सन मैं कुछ इस तरीके का पर्सन नहीं हूँ हु डजेंट पे एन अपेरेंस फीस जो अपेरेंस फीस नहीं देता है जस्ट बिकॉज सी इज अवर स्टाफ डॉटर सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमारे स्टाफ की डॉटर है आई टोल द हायर अप्स मैंने हायर अप्स को बता दिया है अबाउट द सिचुएस सिचुएशन के बारे में एक्सपेक्ट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट चयन इज योर डॉटर एक्सेप्ट का यूज किया जाता है ई एक्स सी ई पी टी का यूज किया जाता है किसी चीज़ को अलग करना कि यहाँ पे बोला है कि इस फैक्ट को हटा करके कि चयन तुम्हारी डॉटर है बाकी सब मैंने उन्हें बता दिया है कि मैंने एक चाइल्ड अरेंज किया है उसका फेस भी दिखाया है म्यूजिक में ऐसा ठीक है थैंक यू टीम लीडर धन्यवाद टीम लीडर नो इट्स ऑल थैंक्स टू यू एंड चयन दैट द फिल्मिंग एंडेड वेरी वेल सिर्फ ये तुम्हें और चयुन को थैंक्स करना चाहिए जिसकी वजह से फिल्मिंग अच्छे से पूरी हो गई आई एम नॉट द वन गिविंग यू दिस मैं नहीं हूँ जो तुम्हें दे रहा हूँ सो डोंट रिफ्यूज इट सो ए रिफ्यूज़ मत करो रिफ्यूज करना मीन्स मना करना येस yes, हाँ टीम लीडर एक्चुअली आई मेड अ प्रोमिस्ड यू मैंने यू में से एक प्रोमिस किया है टू बाई हर अ केक उसको केक लाने का इट विल बी फाइन राइट ये ठीक रहेगा है ना केक वन ओनली वन ये ये सबसे अच्छी मीज़ है है एक सिर्फ एक ओके यस आई विल कीप दैट इन माइंड हाँ मैं इसे ध्यान रखूँगा मैं इसे अपने दिमाग में ध्यान रखूँ देन आई विल टेक माय लीव नाम अब मैं चलता हूँ या आई विल सी यू टुमारो हाँ अब मैं कल मिलते हैं मिलेंगे आई विल सी यू टुमारो मैं अब कल तुम्हें तो देखूँगा या कल मिलेंगे टीम लीडर प्लीज़ टेक अ लुक एट दिस टीम लीडर कृपया इस पर ध्यान दीजिए मॉर्निंग हो गई है और ये लोग अब वहाँ पहुँच चुके हैं व्हाट हैपन क्या हुआ डायरेक्टर इज देयर अ प्रॉब्लम क्या यहाँ कोई दिक्कत है इट्स नथिंग सीरियस ये कोई सीरियस नहीं बट मे बी सेंग इन डॉटर इज अ जीनियस लेकिन मुझे लगता है संगोन की जो बच्ची है वो जीनियस है वॉट क्या आई फाउंड दिस फुटेज वायल मॉनिटरिंग विद दिस स्टाफ मैंने ये एक फुटेज मिली है मुझे जब मैं स्टाफ को मॉनिटर कर रहा था इट डजेंट मेक सेंस ये सेंस नहीं बनाता है टू बी एबल टू प्ले अ सॉन्ग यू हैव नेवर हर्ड बिफोर परफेक्टली क्या आपने कभी सॉन्ग पियानो बजाया नहीं है प्ले नहीं किया है और आप हाँ टू बी एबल टू प्ले अ सॉन्ग मीन्स आपने कभी गाने को सुना नहीं है कभी गाने को नहीं सुना फिर भी आप इतना अच्छे से प्ले कर पा रहे हो है बट लेकिन लुक एट द स्क्रीन हेयर आप जरा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए सब सॉफ्ट है आई डिडेंट नोटिस इट मैंने ऐसे पहले नहीं नोटिस किया था बिकॉज इट लुकड सो नेचुरल क्योंकि बिल्कुल एकदम नेचुरल दिख रहा था बट लेकिन दिस गर्ल प्लेड यूमी सॉन्ग विदाउट अ म्यूजिक सीट इसने यूमी का सॉन्ग बिना किसी म्यूजिक सीट के प्ले किया है इनफैक्ट सी प्लेड इट परफेक्टली फ्राम स्टार्ट ऑफ इनसे इनफैक्ट मीन्स अगर देखा जाए तो इसने इस्टार्ट से लेके एंडिंग तक अच्छे से एकदम परफेक्टली प्ले किया है थैंक यू